Hello and welcome back to my channel. My name is Sunita Kataria. Today I will begin with a very famous poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. The poem was written by famous American nature poet Robert Lee Frost. If we talk about the writer, Robert Lee Frost was highly influenced by William Wordsworth's poetry. William Wordsworth was also a nature poet. Robert Lee Frost's poetry was very simple in language and understandable to the common people. Robert Frost won Pulitzer Prize Award 4 times for his poetry. Number 1, in 1924, New Hampshire volume. In 1931, Collected Poems. A Further Rage in 1937. And in 1943, A Witness Tree. Let's go to the computer screen now. We'll understand and analyze the poem line by line. Let's get started. Friends, if you look at the title, Stopping by Woods on a Snowy Evening. Woods मतलब जंगल, Snowy Evening मतलब बर्फीली शाम में मैं एक जंगल में रुका. Stopping मतलब रुका, एक जंगल में मैं बर्फीली शाम में रुका. Poem was written in 1922 and published in 1923 in a volume of poems which is named New Hampshire Volume. This is a collection of poem written by Robert Frost और इसी collection में ये सबसे पहले published हुई थी. And it was written in iambic tetrameter in the Rudyard Stranger. And that Rudyard Stranger was created by Edward Fitzglen. Robert Frost अपना traveling experience share करते हुए ये बताते हैं कि इस poem में वो अपनी यात्रा के दौरान ऐसी जगह रुक जाते हैं अपने घोड़े के साथ जहां बहुत सारे पेड़ होते हैं, यानी कि वहां एक घना जंगल है और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और वो सारी जगह बर्फ से ढकी हुई है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है. अब हम poem स्टार्ट करते हैं. Woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Poet बोलते हैं, whose woods these are, I think I know. शायद मैं जानता हूँ कि इस जंगल का मालिक कौन है. His house is in the village though. वो यहाँ नहीं रहता. His house is in the village. वो किसी दूसरे village में, गांव में रहता है. वो यहाँ नहीं रहता. He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएगा. उसे नहीं पता है कि मैं उसकी जगह पर खड़ा हूँ. To watch his woods fill up with snow. उसका जो जंगल है वो बर्फ से ढक गया है और मैं उसके इस ढके हुए बर्फ के जंगल को देख रहा हूँ, उसकी जगह पे खड़ा हूँ, ये वो नहीं देख पाएगा. क्यों? क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वो अपने विलेज में है. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake. The darkest evening of the year. Poet यहाँ darkest evening के बारे में बताते हैं. Friends, darkest evening को winter solstice भी कहते हैं, यानी कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और सबसे ज़्यादा ठंड होती है. सूरज पृथ्वी से काफ़ी दूर रहता है और शाम जल्दी होने लग जाती है, यानी कि अंधेरा बहुत जल्दी होता है. 22 दिसंबर को ज़्यादा ठंड होती है तो उसको darkest evening of the year कहा जाता है, साल का सबसे छोटा दिन और सबसे ज्यादा ठंडा दिन. पोइट यहाँ बोलते हैं कि माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरा जो छोटा सा घोड़ा है, नन्ना सा घोड़ा है, उसको भी अजीब लग रहा होगा. क्वेयर मींस अजीब. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि मेरे मालिक बिना किसी फार्म हाउस के यहाँ क्यों रुके हैं. यहाँ कोई गाँव नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई यहाँ रहता नहीं है, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फार्म हाउस नहीं है. मेरे मालिक यहाँ आके क्यों रुके हैं, ये छोटा सा घोड़ा मेरा जरूर सोच रहा होगा. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, ऐसे घने जंगल में और जहाँ लेक का पानी भी बर्फ बन चुका है, ऐसे घने जंगल में मेरे मालिक यहाँ क्यों रुके हैं. डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, इतनी ठंड में, इतने डार्क अंधेरे में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये सब मेरा घोड़ा सोच रहा होगा. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. यहाँ ही घोड़े के लिए बोला गया है. Poet बोलते हैं, He gives his harness bells a shake. मेरा घोड़ा, harness bells friends इसको बोलते हैं, ये जो बेल लगी हुई है
इसको हार्नेस बेल बोलते हैं। मेरा घोड़ा अपने गले की घंटी को हिलाता है। हार्नेस बेल्स मतलब जो घोड़े के गले में जो घंटी लगी हुई है उसको शेक करता है, उसको हिलाता है, जैसे कि वो कुछ पूछ रहा हो। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है यहाँ आकर के। हम ऐसी ठंडी जगह में आए हैं जहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है, अंधेरा है, बर्फ ही बर्फ है, जंगल है। तो पोइट ये बोलते हैं कि मेरा घोड़ा अपनी गर्दन हिला के हार्नेस बेल को बजा करके ये बोलना चाह रहा है कि क्या हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है यहाँ आकर के। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, फ्लेक मतलब परत। उस हार्नेस बेल की आवाज के अलावा एक और आवाज सुनाई देती है और वो किसकी होती है, बहती हुई हवा की। और स्वीपिंग साउंड मतलब बर्फ गिरने की जो आवाज होती है उसकी आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब हार्नेस बेल की आवाज के अलावा बहती हुई हवा की और बर्फ गिरने की आवाज सुनाई देती है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. अब यहाँ पोएट जंगल की खूबसूरती के बारे में बताते हैं और वो ये कहते हैं कि चाहे कोई यहाँ हो या नहीं हो, खाली हो या यहाँ अंधेरा है, लेकिन ये जंगल बहुत खूबसूरत है, मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मेरी कुछ प्रोमिसेस हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे बहुत दूर चलना है, माइल्स चलने हैं, बहुत दूर जाना है। बिफोर आई स्लीप, स्लीप यहाँ डेथ को रिप्रेजेंट करता है पोइट। मरने से पहले मुझे अपने प्रोमिसेस, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभाना है और मुझे बहुत आगे जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले या आराम करने से पहले बहुत दूर जाना है। चाहे वो जंगल मुझे रोकना चाहता हो, इसकी खूबसूरती उसको पसंद आती है, लेकिन अपने प्रोमिसेस, अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रख करके पोइट ये बोलते हैं कि अभी मुझे बहुत दूर जाना है। फ्रेंड्स, ये जो पोम है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत टचिंग पोम रही है, और ये जो फोर लाइंस थी ये उनको बहुत टच कर गई, बहुत ज़्यादा वो इन फोर लाइन से अट्रैक्ट थे। और यही पोम की जो बुक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये अपने बेड की टेबल के पास में वो रखते थे। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी पोम फिनिश होती है। मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कॉमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।